सो वेलकम गाइस, हम लोग निकल चुके हैं देवगिरी किले के और जो कि दौलताबाद में है, औरंगाबाद से 17 किलोमीटर की दूरी पर। और पार्किंग में पहुंचते ही हमें ₹50 का भुगतान करना पड़ेगा जो कि पार्किंग के चार्जेस हैं। और दौलताबाद किले की अगर बात की जाए तो सबसे पहले पहला जो मेन गेट है वहाँ गेट से अंदर जाते ही टिकट घर है। टिकट घर जो कि भारतीय नागरिक के लिए ₹25 शुल्क है, तो विदेशी नागरिकों के लिए ₹300 के शुल्क आपको देने होंगे। लोग यहाँ से निकल चुके हैं टिकट लेकर। और सबसे पहले अगर किले की बात की जाए तो किला 1187 में राजा भिल्लम यादव ने उनकी बादशाहत में बनवाया था, उनकी खुद की निगरानी के अंदर। किले का पहला दरवाजा जिसका नाम है महाकोट, महाकोट दरवाजे पे ही आपको चेक पोस्ट मिलेगा और टिकट भी आपका वहीं पे चेक होगा। किले के अंदर आते ही प्राचीन कालीन तोहफे देखने को मिलेंगी और हैरान कर देने वाले चट्टानों की कारीगरी दिखेंगी। आगे बढ़े तो ऐसा लगेगा कि आगे रास्ता खत्म हो चुका है और सीधी तरफ एक आपको मोड़ मिलेगा। उस मोड़ से जाते हुए विशाल चट्टानों से बने हुए दीवारें देखने को नजर आएंगी और उसी के दाहिने हाथ तरफ आपको फिर से एक मोड़ मिलेगा। ही सामने चांद मीनार आपको दिखाई देगा जो कि बहुत ही बेहतरीन नज़ारा यहाँ से देखने को मिलेगा। और दूसरे नंबर के दरवाजे से आगे आते ही लेफ्ट साइड में कुछ दरगाह और मज़ारे हैं। दूसरे गेट से अंदर आते ही सीधे हाथ तरफ जो है तो जो राजा से मिलने के लिए मेहमान आते थे उनको अगर राजा किसी काम में व्यस्त होने के कारण उनको अगर इंतज़ार करना पड़ा तो उनके लिए आरामगाह बनाई गई थी। तो आरामगाह के सामने ही दरगाह है और दरगाह के चारों साइड में जो है तो कुछ मज़ारे बनी गई है, तो कंफर्म नहीं है लेकिन देखने से तो ऐसे लगता है कि कोई पीर है और जो आजू बाजू जो आराम फरमा रहे हैं उनके मुर्शद है। और आगे चलते ही देखने को मिलता है दरगाह के आगे ही एक बहुत ही विशाल कुआं है। आगे एक विशाल कुआं है और कुएं की जो कारीगरी है बहुत बेहतरीन की गई है। ज़्यादा पानी नहीं है कुएं में अभी क्योंकि अभी समर सीज़न है, धुपकाला है, तो इसकी वजह से पानी की थोड़ी सी यहाँ पे किल्लत है। और कुएं के एक बाजू में ही लगकर ही एक खूबसूरत सी मस्जिद बनाई गई है जो कि फ़िलहाल अभी आबाद नहीं है पर देखने से लगता है कि ये मस्जिद ही है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फिर से चलते हैं किले की और सामने का जो नज़ारा है चांद मीनार का, वो नज़ारे में चार चांद लगाता है। चलते हैं अब भारत माता मंदिर की और चलते ही
एक तालाब जैसा बना हुआ है, शायद तब उसमें पानी होता होगा, तालाब या किसी जानवरों को पीने के लिए पानी का प्रबंध किया गया होगा या फिर कुछ और चीज़ हो सकती है। का चाललं आजी? सिक्युरिटी का आजी इथं? हां, कुठं राहता? दौलताबाद मध्येच का? काय नाव आजी तुमचं? बोर होत असन आजी इथं लय? हो, बोर होत असन ना इथं लय? बोर कसं हो, माझ्या मध्ये एवढं काम आहे। हां, एवढं काम आहे आम्हाला, इतकी साफसफाई करावं लागती। बापरे, एवढी हे तुमच्या अंडर मध्ये सगळं? तो भारत माता मंदिर का जो नज़ारा है, ये पत्थरों की सजावट आज के संगमरमर की सजावट को भी टक्कर देती है और संगमरमर की सजावट को भी पत्थरों के सामने फीका नज़र कर देंगी। इस तरह की यहाँ की सजावट है। तो भारत माता मंदिर में कुछ इस तरह से भारत माँ का मूर्ति यहाँ पर स्थापन की गई है। काफ़ी सदियों पुरानी ये मूर्ति है और इस मंदिर की श्रद्धा जो है, भारत माता मंदिर की श्रद्धा भारत के कोने कोने से यहाँ पे श्रद्धालुओं को खींच कर लाती है। और ये भारत माता की मंदिर, जब भारत देश 1947 में स्वतंत्र हुआ था उस वक्त स्थापन की गई थी। काफ़ी वक्त अरसा गुजर चुका है इस मूर्ति को, लेकिन इसकी जो खूबसूरती है वो आज भी बरकरार है। कहीं इसी की वजह से लोगों को भारत के कोने कोने से यहाँ पर खींच कर ले आती है। और चलते हैं किले की और किले के ऊपर तरफ। तो ऊपर तरफ ही चार मीनार का जो नज़ारा है, अगर मीनार की खासियत की बात करें तो मीनार के ऊपर से किला छोटा नज़र आता है और किले के ऊपर से देखा जाए तो मीनार छोटा नज़र आता है। तो दिल्ली के कुतुब मीनार के बाद में जो ये चांद मीनार है वो सबसे बड़ा है, जिसकी ऊंचाई 210 फीट है। 210 फीट कंफर्म नहीं है, लेकिन बताई जाती है 210 फीट इसकी ऊंचाई है और इसकी 230 सीढ़ियां हैं। मीनार की जो ऊंचाई बढ़ाने में तीन हिस्सों की मदद ली गई है। मीनार तीन हिस्सों में बना है, मतलब तीन मंजिला मीनार है ये। चलते हैं किले के ऊपर के हिस्से में। किले के ऊपर जाते वक्त ही तीसरा दरवाज़ा लगेगा। तीसरे दरवाजे के सीधे मोड़ पर ही एक मस्जिद है, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद बनाई गई है। और उस वक्त की कारीगरी इस तरह से की गई है जिसकी खूबसूरती आज तक कायम है। अभी मस्जिद आबाद नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत रौनक यहाँ से आ रही है। रुकते हैं इस पार्ट में यहीं पर और किले के नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे इंशाल्लाह। और ये पार्ट आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोई शिकायत है हमारे इस वीडियो से तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको शेयर करें और चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें।